यहाँ से पूरा लद्दाख का आपको व्यू नजर आ रहा होगा। 50 रुपीस का ये है और छोटा वाला बाइक के लिए ये 20 वाला। यहाँ पर आपको चांदी, सिल्वर, जर्मन सिल्वर काफी सारी आइटम्स आपको मिल जाती है। किलो ने पाओ 60 रुपए 50 रुपए। और एप्पल ये देखिए, ये लिखा गया होता है मशीन से, जैसे ये देखिए लद्दाख कितना सुंदर लिखा गया है इसके ऊपर। मैक्सिमम जो काम करने वाले लोग हैं वो फीमेल ही है, और कहीं ना कहीं हमें इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। ये है शांति स्तूप। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर बारला चाओ तांगला जो दो पासेस है वो बंद हो चुके हैं स्नोफॉल के। अराउंड 12 बज चुके हैं, तो सोच रहा हूँ कि अब नहा लेते हैं एक बार, नहाने के बाद थोड़ा मार्केट भी देख लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ना लद्दाख ले में अभी गर्म पानी नहीं मिल रहा, तो हमारे पास ये वाला साधन है। दिखाओ भाई, सोलर वाला जो गीजर है, जो भी है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी भरना भी मैनुअली पड़ रहा भाई, ठीक है। देखो मेरे हालात पर आपको तरस आ रहा होगा, ठीक है। इस ब्लॉग में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा और बैकग्राउंड कमेंट्री भी हो रही थी। सुनाओ, अभी निकल रहे हम मार्केट की तरफ को। सारी बाइक्स यहाँ पर लगी पड़ी और आज हम चला रहे हैं इस जॉम्बो को। चले भाई लोग, सुनाओ चले। ओके, वाह वाह। सो राइट ले देते हैं। क्या पिकअप है इसका, मस्त स्मूथली निकाल देता भाई। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं गोपाल भाई के साथ नीचे हिमालयन पर, और देखिए बाइक बहुत ही मस्त रखी है। मैं थोड़ा ये भी बता दूं अपने व्यूअर को, ये बाइक गोपाल भाई ने स्पेशली इस राइड के लिए ली है भाई, शौक बड़ी चीज़ है। तो चलो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और जल्दी से पहुँचते हैं हम ले मार्केट। थोड़ा सा रास्ता भी आपको दिखा देते हैं। लद्दाख के इस रीजन में जब आप मूव करते हैं तो शायद आपको हर जगह ग्रीनरी नहीं मिलती है, पर ये कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ये ग्रीनरी मिलती है और इस टाइप के पेड़ आपको नज़र आ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बाद में लगाए गए, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सारे पेड़ बांध गए हैं, पर रोड की बात करें तो बिल्कुल एकदम मस्त रोड है। रोड्स की जितनी तारीफ करें भाई कम है, गजब है। और इन स्मूथ जैसे रोड्स पर, जो मस्त रोड है, इन पर राइड करने का मज़ा अपना ही है यार। रियली फुली थ्रॉटल दो और मज़े करो। सड़क के दोनों साइड को कुछ घर बने हुए हैं, छोटे छोटे मकान है। रियली ये फील काफ़ी हद तक मतलब आउटस्टैंडिंग बाहर की कुछ कंट्रीज का नज़र आता है, जैसे खासकर अब हम बात करते हैं काबुल या अफगानिस्तान वगैरह, वैसा वैसा कुछ फील आता है यार, है ना। लेह में हमारी एंट्री हो चुकी है और ये पूरा लेह है। ले काफ़ी लंबा चौड़ा है वैसे देखा जाए, और यहाँ से होटल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारी जगहें मतलब अगर हम देखें लेफ्ट राइट, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ये मैक्सिमम यहाँ के होटल्स हैं। और आपको पता ही है कि लेह में टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो सीज़न के टाइम में मैक्सिमम होटल्स फुली ऑक्यूपाइड होते हैं। और पर अच्छा लगता है यार, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये रहता है कि यहाँ के रोड गज़ब। ये रहा मेन मार्केट है। सो गाइस, फाइनली हम माल रोड पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मार्केट आज बंद है, वैसे पूरा खुला नहीं है। सो गाइस, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं यहाँ पर, और ये है यहाँ की मस्जिद। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देख के, काफ़ी अच्छा काम किया गया है। चलो आगे तरफ चलते हैं।
तो अभी हम लोग मेन मार्केट में घूम रहे हैं और पीछे की तरफ, वो पीछे अगर आपको दिख रहा होगा पीछे ना, मौसम ख़राब भी हो रहा है। क्यों? ये मेरे साथ है एस कर्मा, स्कर्मा इसको मैं बोलता हूँ, एस कर्मा, एक्चुअली एस कर्मा। सो गाइज, अभी हम हैं यहाँ पर जो ले की जान है, ले का माल रोड। तो आप देख सकते हैं ले का मेन माल रोड, संडे है, बहुत ही सुंदर सा मार्केट है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ का व्यू, पीछे की तरफ आपको बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। और अभी हम आपको पूरा मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप पूरा मार्केट आपको दिख रहा है ना। ये मार्केट काफ़ी आगे की तरफ जाता है यहाँ से पीछे की तरफ। एंड सेकेंडली यहाँ की तरफ, पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे आपको यहाँ पर दिखता है ले पैलेस, और उसी के ऊपर ये है सेमो मोनेस्ट्री। सेमो मोनेस्ट्री के बिल्कुल नीचे है आपका यहाँ का ले पैलेस। कितना प्यारा लग रहा है यार, और पीछे की तरफ का व्यू देख लो। आ हा हा, ये चीज़ें आपको देखनी है तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुकिंग करो लद्दाख की जल्दी से और आ जाओ और ले देख लो। माल रोड में एक और अच्छी चीज़ आपको नज़र आती है कि माल रोड के बिल्कुल साथ में जो फुटपाथ टाइप की चीज़ है, वहाँ पर आपको लोकल सब्जियाँ होती है, फ्रूट्स होती है, उसकी शॉप्स दिखेगी। फ्रूट्स हैं देखिए, फ्रेश बिल्कुल है ना, और ये मैक्सिमम जो लगाया गया है वो लोकल लेडीज़ के द्वारा ये शॉप्स लगाई गई। ये कहाँ का सेब है? लोकल सेब। सो गाइस, ये है लद्दाख की एप्पल, देखो कितना प्यारा है, कलरफुल और जूसी। क्या प्राइसेस बताएं? एक पाया का 60 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, पाओ पाओ बाप रे, पाओ किलो ने पाओ 60 रुपए, 50 रुपए, और एप्पल 150 रुपए किलो। ओके दैट्स गुड, पर जूसी है बहुत अच्छा। मैक्सिमम जो काम करने वाले लोग हैं वो फीमेल ही है यहाँ, और इनका अपना एक हिसाब से अपना बिजनेस है मान के चलिए, और कहीं ना कहीं हमें इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। कोशिश करें कभी भी आप लद्दाख आते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी आपको शॉपिंग करना है इनसे ज़रूर करें। ये है लद्दाख थांका सेंटर, क्या बात है, टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तिप्तन रेफ्यूजी मार्केट, लद्दाख आए तो कुछ तो लेना पड़ेगा। वाह वाह, प्यारा लग रहा है ना, ये क्या चीज़ है? क्या ये? जर्मन सिल्वर। सिल्वर खराब तो नहीं होता? खराब नहीं होता है, सही रही। सो नाउ फाइनली मैंने यहाँ से कुछ एक शॉपिंग किया है, जैसे मैं आपको दिखा लेता हूँ क्या क्या शॉप किया। एक तो ये लिया है जो कि आपको आसानी से कितने में मिला था? 50 रुपीज का ये है, और छोटा वाला बाइक के लिए ये 20 वाला, बढ़िया ना। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बड़े अच्छे। छोटी सी शॉप है पर प्यारी है। लद्दाख में एक शॉप है ये वाला लासा क्राफ्ट करके। सो नाओ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कैप मिलती है, गरम कैप, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 250-250 रुपये में मिलती है। टी शर्ट्स मिलती है, टी शर्ट्स के ऊपर ये चीज़ें दो टाइप का आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये लिखा गया होता है मशीन से, राइट, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी है, फ्री तिब्बत वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है जो कि इस टाइप से डिज़ाइन किया है। ये वाली टी शर्ट कितने का है? 300 रुपीज़, छोटे बड़े सभी का। किसका थोड़ा कम है? और छोटे का थोड़ा कम है। इस पर नाम भी अपना लिखवाना चाहते हो या कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो भी आप करवा सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। कितने? तो 50-100 डिपेंड्स ऑन। अच्छा 50-100 डिपेंड ऑन द वर्ड, नाइस। छोटा सा शॉप है पर लद्दाख की यादें यहाँ से आपके साथ आएगी। जैसे ये देखो, जुले लद्दाख, राइट, नाइस। एम्ब्रॉयडरी मैक्सिमम किया है, मशीन से किया है पर ये, और बहुत ही प्यारा किया। जैसे ये देखिए लद्दाख कितना सुंदर लिखा गया है इसके ऊपर, है ना, आई गॉट ले, परमानेंट है, फॉर एवर है। आपका टी शर्ट फट जाएगा पर ये फटेगा नहीं, और देखने में भी अच्छा लगेगा। क्यों भाई? बिल्कुल। योर गुड नेम? अर्शद। चलो भाई, अगर किसी को लेना हो तो आप अर्शद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देगा हमारा नाम लेंगे तो, ठीक है? चलो एनी वे, राइड शक्ति जिंदाबाद। नाओ अभी आपको दिखाता हूँ ले का मार्केट ही है, मेन मार्केट ही है, उसकी के साथ में आपको एक चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, वो सेल्फी पॉइंट होगा। वैसे यहाँ पर सेल्फी ली जाएगी कमिंग वीक में। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई लव ले, और देखने में अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा काम किया है, पूरा सीमेंट वर्क किया है, कमिंग डेज में थोड़ा सुंदर बनेगा ऐसा लग रहा है। चलो मज़े करो। Yeah.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. ये ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है, बिल्कुल हाईवे के साथ लगता हुआ है और काफ़ी बड़ा मार्केट है. नाउ वी आर गोइंग शांति स्तूपा, देखते हैं कितना दूर है वो. शांति स्तूपा सीधे, ओके थैंक यू. धूप गजब की आ रही है, सामने से कुछ पता नहीं लग रहा है. सो दिस इज़ ए वन वे, तो वन डे है, एक साइड से जा सकते हैं. अच्छी देखते हैं ये सड़क हमें कहाँ तक ले जाती है. आगे थोड़े रोड के हालात दयनीय लग रहे हैं. तो आगे से कुछ आ रहा है, इससे पहले कि वो आगे आए ये डाला हमने यहाँ. यस बीच में जब ऐसी जगह आ जाती है ना तो राइड करने का मज़ा ही आता है. टोटल देने के बस यार, बस पंख लग जाते हैं जैसे उड़ जाओ. बस ये देखो मज़ेदार, क्या बात. लो मैं आ गया. मैं हिमाचल से, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर राइड शक्ति करके. या नाइस, आई विल चेक सम टाइम लेटर. यू आर फ्रॉम? मैं फ्रॉम हैदराबाद. हैदराबाद नाइस नाइस. बैंगलोर, ओह ब्यूटीफुल सिटी. ये देखो भाई लोग बड़ा कैप्चर कर रहे हैं सीन बना बना के. थोड़ा सा इनको मुस्कुराने का मौका दे देते हैं. स्माइल तो आ ही नहीं रही है, आ रही है. हाँ ये देखो पेट छुपाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पेट छुपाया जाता है. पता चल गया, चलो एनी वे इंजॉय, हैप्पी हैप्पी जर्नी, इंजॉय है ना. बाय बाय, फिर मिलेंगे. सो ये देखो कुछ हमारे अननोन दोस्त जो कि आए थे हैदराबाद से. हमारे लिए तो सारे दोस्त है भाई, किसी से भी मिल लो. यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है. बहुत ही प्यारा जगह, बहुत ही सुंदर. ओह माय गॉड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है शांति स्तूपा. ये लोग फोटोज ले रहे हैं, लेना भी चाहिए. ये जगह बार बार थोड़ी मिलेगी. क्या बात है, कितना सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर. वाह क्या गाइस, ये देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन, बहुत ही सुंदर. यहाँ से पूरा लद्दाख का आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ बहुत ही सुंदर. और वहाँ पर आप देख सकते हैं धूप डूब रही है, तो आपको उसका भी नज़ारा काफ़ी प्यारा और बहुत ही सुंदर नज़र आएगा. कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी. ये देखिए यहाँ से एक अल्टीमेट और अमेजिंग जगह पर है, ये है शांति स्तूप. ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. सो नाउ थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा. ये देखिए है ना अल्टीमेट. थोड़ा ऊपर तक दिखाते हैं, ये क्या बात है, देख रहे हो ना. अब थोड़ा जूम को जूम आउट करके दिखाते हैं. लुक मैन व्हाट ए ब्यूटी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह है, अमेजिंग. और 1985 में ये बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है. ये लैंग्वेज पल्ले नहीं पड़ रहे भाई, पर जो भी है अच्छा बोल रहा होगा. सो ऊपर भी जाते हैं, ऊपर जाने का रास्ता आगे से. तो चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ऊपर हो आते हैं, भगवान जी के दर्शन कराते हैं. थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो भाई. सो गाइज यहाँ पर पूरा हिस्ट्री लिखा गया है, कब ये बना, कैसे बना वगैरह वगैरह. आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ओके
ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। मेन चीज़ आती है आपका ये टेंपल शांति स्तूपा, रियली बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। सो गाइस ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शंस जो आपको बताया गया होगा, आप देख सकते हैं। अल्टीमेट यार कितना प्यारा और बेहतरीन बनाया है। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना साल पुराना बना होगा और फिर भी इसके कलर कितने चटकीले और कितने अट्रैक्टिव हैं, है ना। बहुत ही बेहतरीन बनाया। जो लोग लद्दाख आते हैं तो उनके लिए एक अल्टीमेट जगह रहती है। नाइस। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के कई रूप दिखाए गए हैं, वैसे स्टैचू वाइज देख के तो ये लगता है कि एक ही स्टैचू है, पर एक नहीं है। नाइस। अब चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे भी ग्राउंड लगा लेते हैं पूरा। स्तूप तो आपको पता ही है, जितने भी छोटन है, छोटन छोटन का एक बड़ा रूप आपको ये नजर आता है। चलिए गाइस अब चलते हैं होटल की तरफ और अभी राइड कर रहे हैं गोपाल भाई और मैं उनके पीछे फिलिंग के तौर पर बैठा हूँ। और मैं आपको बता दूँ डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़े किए। लेह मार्केट पूरा घूमा और लद्दाख का एक बहुत ही फेमस जगह जो शांति स्तूपा, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। तो चलो एंजॉय। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, है ना, जो कि आपको पता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो एंजॉय करो, फिर मिलते हैं होटल में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये बन रहे हैं आज का डिनर मोमोज। यहाँ हमारे मास्टर शेफ लगे हुए हैं यहाँ पर काम करने, तो फाइनली देखो मोमो बनाते हुए लोग खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छे मोमोज इसमें बन रहे हैं, ये पके मोमोज। मोमो के बारे में बता दूं मैं, ये जो स्टफिंग किया गया है या जो इसका ये जो बनाया गया है आटे का है और इसके अंदर नॉन वेज, बहुत टेस्टी है, अच्छा बना।